नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, आप लोगों को ये चीज पता कैसे नहीं चल रही है? कोई आपको लड़की का लालच दे रहा है, कोई पैसे का लालच दे रहा है, आप लोग क्यों लालच में पड़ रहे हैं? किसी के बहकावे में मत आइए। अनुरोध है आप लोगों से कि किसी के बहकावे में मत आइए। इसीलिए कहा जाता है कि आसपास की खबरें, हमारे देश में हो क्या रहा है, इसकी जानकारी रखनी जरूरी होती है। लोग फोन पर दूसरी दूसरी चीजें देखेंगे मगर अपनी जानकारी से रिलेटेड चीजें नहीं देखेंगे। मौलाना उमर गौतम जैसे लोग बहुत हैं। संगत का असर पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों को उमर गौतम की कहानी बताती हूँ कि कैसे वो हिंदू से मुस्लिम बन गए। फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के रमुआ पंथुआ गांव का रहने वाला मौलाना उमर गौतम का राजपूत परिवार में वर्ष 1964 में जन्म हुआ था। गौतम 6 भाई थे, इनमें उमर चौथे नंबर का था। इनके पिता का नाम धनराज सिंह था। धर्मांतरण के पहले उमर गौतम का नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। जानकारी के अनुसार पंथुआ गाँव में करीब 1000 की आबादी है। गांव में क्षत्रियों के अलावा पिछड़ी जातियों के साथ साथ कुछ दलित लोग भी रहते हैं, जबकि इस गांव में मुसलमानों का आज तक कोई नामो निशान नहीं। उमर गौतम ने इंटर गांव में रहकर ही किया। इसके बाद परिजनों ने उमर गौतम की गांव में ही रहते हुए एक क्षत्रिय परिवार की राजेश्वरी नाम की महिला से शादी कर दी। उमर आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल चला गया। इस दौरान उसकी मुलाकात बिजनौर जिले के रहने वाले नासिर खान से हुई। नासिर की इस्लामिक किताबें पढ़ने के बाद श्याम का झुकाव इस्लाम पंथ की तरफ हो गया और 1984 में श्याम प्रताप सिंह धर्म परिवर्तन कर मौलाना उमर बन गया था। इसके बाद श्याम प्रताप सिंह गौतम अपने गांव पंथुआ आया। उसकी वेशभूषा देखकर परिवार और ग्रामीण लोग हैरान हो गए। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो उन लोगों की एक ना सुना। उसके माता पिता ने उसको बेदखल कर दिया। उमर गौतम की पत्नी उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने भी अपना नाम बदल कर रजिया रख लिया और वो दोनों घर से चले गए। मौलाना उमर गौतम तब से लोगों के अंदर लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराने में सक्रिय मौलाना उमर गौतम गरीब हिंदू लड़कों को अच्छी लड़की से शादी का लालच देता था। मौलाना उमर ने मुस्लिम धर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए हैंडलर तैयार किए थे। करीब 3 दशक से धर्मांतरण में सक्रिय मौलाना उमर गौतम ने मूल जिले में मुस्लिम धर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए कई गुर्गे तैयार किए थे। ये लोग गरीब हिंदू लड़कों से दोस्ती करते थे, उसके बाद उन लड़कों को नौकरी और अच्छी लड़की से शादी का प्रलोभन देकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। उमर गौतम ने लगभग 20 साल की उम्र में ही धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद पैतृक जिले में शुरुआत से ही उसका रुझान इस्लाम पंथ की ओर था। वह पिता और परिवार के डर से नहीं आता था। पिता की मौत के बाद उमर ने गांव और आसपास क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया। शहर का रहने वाला कट्टरवाद को लेकर चर्चित एक शिक्षित मौलाना को अपना सागिर्द बनाया। उसके बाद धर्मांतरण के लिए लोगों का माइंड वॉश करने के लिए उमर ने हर फंडा अपनाया। मौलाना उमर ने अपने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पर पूर्व VP सिंह का भतीजा बताया। ATS की धरपकड़ के बाद जांच के दौरान झूठ पकड़ में आ गया। फतेहपुर जिले में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड उमर गौतम ने जनपद के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में अपना जाल बिछा रखा था। उन्हें अंदौली के एक हिंदू परिवार को इस्लाम पंथ परिवर्तन के बाद फर्श से अर्श तक पहुंचाने का झांसा दिया था। जनपद में उसके घर को देखकर लोग आकर्षित होते थे और मौलाना के जाल में फंस जाते थे। लोग सोचते थे कि हमें भी ऐसे ही आलीशान घर, अच्छी लड़की और नौकरी मिलेगी। मौलाना ने पिछले 10 सालों में 50 से अधिक परिवारों का धर्मांतरण कराया। वे लालच में फंसे लेकिन वे सहूलियत उन्हें नहीं मिली, घर भी छूट गया।
श्याम प्रताप सिंह से उमर गौतम बनने के बाद परिवार संग दिल्ली के जामिया नगर बटला हाउस नूह मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया। उसने अपनी धार्मिक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए जिले के लोगों को जोड़ने व फंडिंग का काम शुरू किया। यहाँ सबसे अधिक उमर के अनुयायी अंदौली में है। उसने इसी क्षेत्र से धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया। सबसे पहले यहाँ के एक गरीब हिंदू परिवार को रुपए का लालच देकर इस्लाम कबूल कराया। उसके टूटे फूटे मकान को आलीशान कोठी में बदल दिया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेके हर जगह आग की तरह फैल गई। उसके बाद दिल्ली में मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद धन परिवर्तन के तार प्रयागराज से भी जुड़े थे। प्रयागराज का एक प्रोफेसर खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था। प्रयागराज की एक छात्रा ने भी धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने का फैसला किया था। छात्रा को प्रोफेसर ने उमर के कहने पर ही धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा कानपुर घाटमपुर निवासी एक 25 वर्षीय छात्रा का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। उसने इस तरह से हसवा, हथगाम, टीशी, थरियाओं, उसरैना, संगगांव समेत कई स्थानों पर अपने लोग बनाए थे, जिससे वह लोगों को प्रलोभन देता था अच्छी लड़कियों से शादी का, बड़े और आलीशान मकान का, और उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए रुझाता था। खुद के धर्म परिवर्तन को नसीहत का रूप देकर लोगों को बरगलाता था। राधानगर क्षेत्र का अंदौली गांव उमर गौतम के कार्य क्षेत्र का हब बन गया था। वह अंदौली गांव में एक स्थान पर साल में 1 से 2 बार आता जाता रहा। यहाँ उसका मसीहा की तरह अनुयायी स्वागत करते थे। अनुयायी मौलाना के आने की बात पहले से फैला देते थे। लोगों को उनकी तकरीर सुनने का झांसा देकर बुलाते थे। यहाँ इस्लाम कबूलने पर जन्नत और सारे शौक पूरे होने का विश्वास दिलाकर लोगों के जहन में मुस्लिम पंथ की रुचि पैदा करता था। गरीबों को खास तौर पर बरगलाया जाता था। इस वजह से इलाके में सैकड़ों की तादाद में अनुयायी बने थे। उमर का नूरुल हुदा स्कूल की प्रबंध समिति पर पूरा प्रभाव रहा। वह स्कूल में तकरीर पढ़ाता था। यहीं की शिक्षिका कल्पना सिंह ने उमर और प्रबंध समिति पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, 3 दशक में मौलाना उमर गौतम ने अपने नेटवर्क देश और विदेश तक फैला लिया था। इसके पीछे उसका शातिर दिमाग था। वह अपनी बातों से खास तौर से युवाओं को इस्लाम पंथ के प्रति प्रभावित करता था। ATS ने उसके नेटवर्क की पाकिस्तान, कतर और कुवैत तक होने की जांच की थी। आपको बता दें कि उमर गौतम का एक बेटा भी था। मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्लाह को UP ATS ने गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर ये थी कि विदेशी फंडिंग की सही जानकारी नहीं दिए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी ऐसी हुई कि जब UP ATS इस मामले की जांच कर रही थी तो पाया कि अब्दुल्लाह के अकाउंट में 75 लाख रुपए UP ATS को मिले। इसमें से 17 लाख रुपए विदेशी फंडिंग हुई थी, और जब उनसे 17 लाख का हिसाब मांगा गया तो उनके पास सही जानकारी नहीं थी, जिसके तहत UP ATS ने अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया था। मतलब कहा जाए तो बाप बेटा सब एक जैसे थे। मौलाना उमर गौतम इस्लाम पंथ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यह सब कुछ उसने PhD करने के बाद किया। उसने सोशल मीडिया पर अपना YouTube चैनल भी चालू किया था, जिसमें वह सभी सभाओं के वीडियो अपलोड करता था। उसके वीडियो देखकर युवा खास तौर पर प्रभावित होते थे। वह घूम घूम कर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने के लिए जनसभाएं करता था, जिसको देखकर युवा काफी ज्यादा प्रभावित होते थे। जिले के अलावा उसने कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, गोरखपुर, बिजनौर, खतौली से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक नेटवर्क फैला रखा था। ATS की पूछताछ में उसके कई कनेक्शन सामने आए थे। सूत्रों के मुताबिक वह सभाओं में कहता था कि उसका मकसद भारत में इस्लाम कायम करना है। उसने यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका तक सभाएं की और खुद को इस्लाम पंथ का मसीहा मानने लगा था। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण के मामले में ATS कोर्ट से मोहम्मद उमर गौतम की उम्र कैद की सजा के बाद फतेहपुर में धर्म परिवर्तन की चौंकाने वाली खुलासे हो रही।
यहाँ के हिंदू संगठनों का दावा है कि सिर्फ दोआब इलाके में ही 7,000 से ज्यादा परिवार धर्मांतरण के जाल में फंसकर ईसाई व इस्लाम पंथ को अपना चुके हैं। अब इसके खिलाफ आवाज उठाई गई तो पुलिस ने 34 केस दर्ज किए थे, पर ज्यादातर की जांच लंबित है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ पंथुआ निवासी श्याम प्रताप सिंह उर्फ उमर सिंह ने धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया, बल्कि यहाँ कई इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरी के लोगों ने गरीबों और अशिक्षितों को पैसों का प्रलोभन देकर अवैध धर्मांतरण का शिकार बनाया। फतेहपुर के दोआब में ही 7,000 लोगों ने धर्मांतरण किया है। आपको बता दूं कि वर्ष 2001 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को लेकर दोआब में खुफिया एजेंसियों के बड़े पैमाने पर धरपकड़ की। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि 2009 में तीनों को कोर्ट में दोष मुक्त कर दिया था। इस केस की जांच के दौरान जिले में कई इस्लामिक संगठनों व उनके स्लीपर सेल की मौजूदगी पाई गई थी। खुलासा हुआ था कि संगठन व उनके स्लीपर सेल वाले गरीब हिंदू परिवार का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। मुस्लिम बाहुल्य ललौली हसवा मोहम्मदपुर गौती एराया में कुछ मामले उजागर होने पर हिंदू संगठन ने आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दावा किया जा रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे संगठन दोआब में अवैध धर्मांतरण को लेकर सक्रिय हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में हसवा के टीसी गांव में सामूहिक धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया, पर तत्कालीन सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने हिंदू संगठनों के साथ हंगामा किया। साध्वी के मुताबिक मिशनरियां इस्लामिक संगठनों से ज्यादा खतरनाक है। यह गरीबों को भैंसे बकरी समेत अन्य तरह का लाभ देकर जाल में फंसा कर अवैध धर्मांतरण करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराने वाले 16 आरोपियों को एनआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने 12 लोगों को उम्र कैद जबकि 4 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 10,000 से 1,00,000 तक का जुर्माना भी लगाया है। ये बहुत ही अच्छा किया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया ऐसे लोगों से बचकर रहें और अपने बच्चों को दूसरी चीज़ों के अलावा अपने धर्म के बारे में जरूर ज्ञान दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो और लोग ऐसी चीज़ों से बच कर रहें। जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।